नमस्कार, झरोखा चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं। हमने यूपीएससी विश्वविद्यालय के पाठ्यक्रमों और विभिन्न राज्य सरकारों की प्रशासनिक सेवाओं को ध्यान में रखते हुए हिंदी साहित्य के पाठ्यक्रमों पर केंद्रित वीडियो आपके लिए बनाए हैं। इस बार हम आपको बाबू श्याम सुंदर दास जी के द्वारा संपादित कबीर ग्रंथावली के कबीर दास जी के 100 पदों को उनकी व्याख्याओं के लिए ले रहे हैं। कबीर दास जी भक्ति काल की ज्ञान मार्गी शाखा के निर्गुण धारा के प्रमुख कवि के रूप में पहचाने जाते हैं। कबीर ग्रंथावली भाग 3 और इसका शीर्षक है विरह को अंग। कबीर दास जी के पदों अर्थात दोहों का यह तीसरा भाग है। विरह को अंग शीर्षक के अंतर्गत इसको रखा गया है। इस भाग में आत्मा को परमात्मा का ही एक अंश माना गया है। आत्मा परमात्मा से बिछुड़कर संसार में आ पड़ी है। वह परमात्मा से मिलना चाहती है, परंतु माया मोह लोभ मद आदि उसके पथ में बाधा बनकर खड़े हुए हैं। मिलन के अभाव में विरह उत्पन्न हो गया है। इस विरह को ही कबीर ने इन पदों में प्रस्तुत किया है। पद 23वां करते हैं। इस तन का दीवा करौं बाती मेलियों जीव, लोही सींचों तेल जीव, कब मुख देखौं पीव। शब्दार्थ देखिए, दीवा यानी दीपक, दिया, जीव यानी प्राण, लोही यानी लहू रक्त खून, पीव यानी पिया प्रिय। संदर्भ और प्रसंग पहले की तरह रहेंगे। व्याख्या देखिए, कबीर दास जी कहते हैं कि विरहिणी आत्मा कहती है कि मेरे हृदय में अपने प्रीतम परमात्मा के दर्शनों की तीव्र अभिलाषा है। इसे पूरा करने के लिए मैंने अपनी देह को दीपक, प्राणों को बाती और रक्त को ही तेल बना दिया है। पद 64 रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, सधुक्कड़ी भाषा है, गेयता का गुण है और शांत रस है। विशेष बात यह है कि विरहिणी आत्मा प्रीतम परमात्मा का रास्ता निरंतर देख रही है। पद 24वां, नैना नीझर लाइया रहट वह निसजाम, पपीहा जो पियो पियो करौं कबरू मिलहोगे राम। नीझर यानि भरना, रहट यानि रहट सिंचाई करने वाली रहट होती है, खेतों में सिंचाई करने के लिए रहट बनाई जाती है। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह व्याख्या करते हैं। कबीर दास जी कहते हैं विरहिणी आत्मा का कहना है कि मेरी आंखों से निरंतर आंसुओं का झरना प्रवाहित होता रहता है। ठीक उस प्रकार
जैसे खेतों को सींचने के लिए कुएं से रहंट के द्वारा जल निकाला और बहाया जाता है। मेरा हृदय पपीहा पक्षी की भांति पिय पिय की पुकार लगाए हुए है। हे परमात्मा, आप कब मुझे प्राप्त होंगे? पद सौंदर्य अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार है, उपमा अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद अपनाया गया है, गेयता का गुण है, इसे गाया जा सकता है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। पद की विशेषता यह है कि विरहिणी आत्मा का एकमात्र ध्येय परमात्मा की प्राप्ति है। अब पद 25वां, आसनिया प्रेम कसाइया लोग जाड़े दुखड़िया साई अपने कारणे रोई रोई रतनिया। शब्दार्थ है कसाइया यानी कसौटी, रतनिया यानी रातों को। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं। कबीरदास जी कहते हैं, विरहिणी नायिका की भांति आत्मा कहती है कि मेरी आंखें प्रेम रूपी कसौटी पर कसे जाने के कारण लाल हो गई हैं, सूज गई हैं, पर संसारी लोग समझते हैं कि उनमें दुखनी अर्थात कोई बीमारी आ गई है। मैं तो अपने प्रीतम के लिए रात रात भर रोया करती हूँ, पर लोग ऐसा समझते हैं कि मैं आँखों की पीड़ा से रोती हूँ। पद लालित्य रूपक अलंकार है, भ्रांतिमान अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है, सदुक्कड़ी भाषा है। पद की विशेषता यह है कि भक्त की दशा को सांसारिक लोग नहीं समझ सकते। अब करेंगे पद 26वां, सोई आंसू सजना सोई लोक बिड़ाही जे लोयण लोही चोवे तो जाड़ो हेत ही आई। शब्दार्थ देखिए, सोई यानी वही, सजवा यानी सजते हैं, शोभा देते हैं, बिड़ाही यानी हितैषी। संदर्भ प्रसंग तो पहले की तरह ही रहेगा। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं, आंखों से बहने वाले वही आंसू श्रेष्ठ होते हैं और वही संसार के लिए हितकारी भी होते हैं, जिन आंसुओं में रक्त की बूंदें भी शामिल होती हैं। ऐसे आंसू ही साधक और बिरही का हित कर सकते हैं। पद सुषमा अनुप्रास अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, शांत रस है।
विशेष साधारण दुख में और विरही के दुख में अंतर होता है। पद 27वां, कबीर हंसड़ा दूर कर करी रोवण से चित्त, बिन रोया क्यों पाइए प्रेम प्यारा वित्त। शब्दार्थ नहीं है, सब चीजें सरल हैं। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या, कबीर दास जी कहते हैं कि सांसारिक आनंद और वैभवों से अपने आप को मुक्त कर लो और योग साधना के कठिन तथा पीड़ादायी साधनों के साथ अपनी मित्रता कर लो, क्योंकि बिना पीड़ा भोगे आप अपने प्रिय को कैसे पा सकते हैं। प्रिय को पाना है तो दुख उठाना होगा। आत्मा जब तक दुखी दुख नहीं भोगेगी, विरह की पीड़ा से नहीं गुजरेगी, तब तक उसे परमात्मा प्राप्त नहीं होंगे। पद सौष्ठव, इसमें अनुप्रास अलंकार है, प्रतीकात्मकता भी है, कई प्रतीकों का प्रयोग हुआ है। सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है, शांत रस है, माधुर्य गुण है। विशेष, सांसारिक सुखों में डूबे रहकर परमात्मा की प्राप्ति नहीं होती। पद 28वां, जो रोऊं तो बल घटे, हंसों तो राम रिसाई, मन ही माह बिसूरणा जो घुण काठई खाई। रिसाई यानी नाराज हो जाना, और घुण यानी घुण नाम का कीड़ा जो लकड़ी को धीरे धीरे खाता रहता है, काटता रहता है, नष्ट करता रहता है। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि मैं रोता हूं तो उससे मेरी दुर्बलता ही और बढ़ती है, अगर हंसता हूं तो परमात्मा नाराज हो जाएंगे। इसलिए अपने मन में ही बिसूरता रहता हूं, घोटता रहता हूं, ठीक उसी तरह जैसे लकड़ी के अंदर बसा हुआ घुन कीड़ा धीरे धीरे लकड़ी को खाता रहता है। अर्थात साधक का शरीर पीड़ा के कारण नष्ट होता रहता है। हंसने का तात्पर्य है, संसार के सुखों में अगर मैं डूब जाऊं, माया मोह में फंस जाऊं, आनंद मनाने लगूं, तो परमात्मा इससे नाराज हो जाते हैं। पद सौंदर्य, इसमें अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार भी है, उदाहरण दिया गया है, सदुक्कड़ी भाषा का प्रयोग हुआ है, दोहा छंद है, गीता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। विशेष, साधक आंतरिक रूप से क्षीण होता रहता है, अर्थात उसकी देह धीरे धीरे नष्ट होती रहती है। शरीर का नष्ट होना जरूरी है, तभी उसकी अंदर रहने वाली आत्मा मुक्त होगी, परमात्मा से उसका मिलन होगा।
पद 29वां, हसी हसी कंत न पाइए, जिन पाया तिन रोई, जो हंसे ही हरि मिले तो नहीं सुहागन कोई। शब्दार्थ है कंत यानी प्रीतम, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह। व्याख्या करते हैं, कबीर कहते हैं कि आज तक किसी ने भी आनंद और वैभव में डूबकर अपने प्रीतम को नहीं पाया है। जिसने भी पाया है उसने उसे पाने के लिए गहन दुख उठाए हैं। अर्थात संसार के सुखों में डूबकर परमात्मा को प्राप्त नहीं किया जा सकता। यदि आनंद मनाते हुए ही परमात्मा मिलने लगे तो ऐसा मिलन परिपूर्ण मिलन नहीं होता, उससे आत्मा चिर सुहागन नहीं होती। पद सुषमा, इसमें अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, विशेष परमात्मा को पाने के लिए सांसारिक सुखों का त्याग करना पड़ता है। अब हम 30वां पद करने जा रहे हैं, हांसी खेलों हर मिले तो कौन सहे सरसाण, काम क्रोध तृष्णा तज्यो ताही मिले भगवान। शब्दार्थ देखिए, सरसाण यानि तलवार, तीरों की शैया। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या करते हैं, कबीरदास जी कहते हैं कि यदि हंसते खेलते हुए ही परमात्मा मिल जाए तो फिर तीरों की शैया जैसे विरह कष्ट को सहने के लिए कौन तैयार होगा। जो मनुष्य काम क्रोध और लालसाओं को त्याग देता है परमात्मा तो उसे ही मिलते हैं, और अगर वह इन सब में डूबा रहेगा तो परमात्मा को नहीं पा सकेगा। पद सुषमा अनुप्रास अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है, गेता का गुण है, माधुर्य गुण है, शांत रस है। विशेष परमात्मा को पाने का रास्ता आसान नहीं है। पदों 31वां करते हैं, पूत प्यारो पिता को गौहन लागा धाय, लोभ मिठाई हाथ दे आपन गया भुलाई। गौहनिया ने पकड़ने के लिए, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं कि वे पिता पुत्र का एक उदाहरण देकर कहते हैं कि पिता को कहीं जाता हुआ देखकर उसका पुत्र उसके पीछे पीछे भागता है और गोद में चढ़ जाता है, तब पिता उसे बहलाने के लिए मिठाई पकड़ा देते हैं। बच्चा मिठाई के लोभ में उलझ जाता है और पिता को भूल जाता है। इसी तरह पिता रूपी परमात्मा भी पुत्र रूपी मनुष्यों को लोभ में डालकर उसकी परीक्षा लिया करते हैं और मनुष्य लोभ में खो जाता है। पद सौष्ठ अनुप्रास अलंकार है, रूपक
अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है, गेयता का गुण है, शांत रस है। पद की विशेष बात यह है कि लोभ परमात्मा से मिलने में बाधा बन जाता है। पद 32वां, डार खांड पटक करी अंतर रोस उपाय, रोवत रोवत मिल गया पिता प्यारे जाई। खांड याने मिठाई, संदर्भ प्रसंग पहले की तरह। इसमें जो पद 31 में रूपक बांधा गया था उसी का ये दूसरा हिस्सा है। इसमें कबीरदास जी कहते हैं कि पुत्र को पिता के चले जाने के बाद जब यह एहसास हुआ कि उसने तो मिठाई के लोभ में अपने पिता को गंवा दिया है, तब उसने उस लोभ रूपी मिठाई को जमीन पर फेंक दिया। उसे अपनी कुमति पर गुस्सा भी आया। उसे लगा कि मैं कितना मूर्ख हूं, मैंने पिता के बदले मिठाई को महत्व दिया। तब वह दुख से रोता है, रोते रोते पिता की ओर दौड़ता है और अपने प्यारे पिता को पा लेता है। तात्पर्य यह है कि जब मनुष्य को ज्ञान हो जाता है कि लोभ और परमात्मा में से उसे किसे चुनना है, और जब वह परमात्मा को चुनने का पथ पा लेता है तो उसे परमात्मा भी मिल जाते हैं। पद सौंदर्य अनुप्रास अलंकार है, पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है, रूपक अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा, गीता का गुण, माधुर्य गुण, शांत रस, दोहा छंद पहले की तरह है। विशेष लोभ से मुक्ति पाने का ज्ञान ही परमात्मा से मिलन कराता है। पद 33वां, नैना अंतरे आचरूं निसदिन निरसं तो ही, कब हरि दर्शन देहुगे सो दिन आवे मोहि। कठिन शब्दों के अर्थ देख लेते हैं। अंतर याने अंदर, आचरूं याने आंजना, जैसे काजल आंखों में आंजा जाता है उस तरह आंजना, निरसव याने देखना। संदर्भ प्रसंग पहले की तरह रहेगा। व्याख्या देखिए, कबीरदास जी कहते हैं, हे प्रभु, मैं आपको अपनी आंखों में काजल की तरह आंज कर रात दिन देखते रहना चाहता हूं। हे परमात्मा, वह दिन कब आएगा जब मैं आपके दर्शन प्राप्त करूंगा? मैं उसी दिन की प्रतीक्षा कर रहा हूं। अब यहां देखिए, आंखों में काजल की तरह आंजने की बात कबीर ने क्यों की है? ऐसा कबीर ने इसलिए कहा है कि दो तरह का देखना होता है। एक ये कि जिसको हम देख रहे हैं वह दूर है और हम उसे एक दूरी के, एक अंतर के बाद देख रहे हैं, और काजल तो आंखों में ही रहता है। जो देखना चाहता है उसी के पास रहता है। इसलिए कबीर कहते हैं कि मैं आपको काजल की तरह आंखों में रात दिन बसाए रखना चाहता हूं। पद सौंदर्य अनुप्रास अलंकार है, उपमा अलंकार है, दृष्टांत अलंकार है, सदुक्कड़ी भाषा है, दोहा छंद है,
गेहता का गुण है, शांत रस है, माधुर्य गुण है। विशेष परमात्मा के दर्शन दुर्लभ होते हैं, यह बात इस पद में कही गई है। यहां पर कबीर ग्रंथावली के 100 पद पूरे होते हैं और ये तीसरा भाग भी यहां पर समाप्त होता है। धन्यवाद।